किस्सा होगा फूल सिंह और नौटंकी के किस्से से बात, कि जब वो फूल सिंह उस मालण के बाग में पनाह ले लेता है। सजनों, मालण की सुबह सुबह आँख खुली देखी कि अरे जनाना बाग में मर्द कौन सोन लग रहा है। डांट मारती है, फटकारने लग जाती है कि ए परदेसी, तने जब पता नहीं कि वो बाग जनाना है तो तेरी उम्मत कैसे हुई इसके अंदर घुसने की। कहने लगा कि ऐसा है मालण, एक तो कोई बार बोर्ड ना लग रहा था कि वो बाग जनाना है, और दूसरी बात के बाग सरा, बाग बगीचे, धर्मशाला ये परदेसिया के रुकने की तय होया कर, मैं भी रुक गया तो के बात होगी। कहने लगी रुक गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस रास्ते आया ना उसी रास्ते उल्टा लौट जा, क्योंकि यहाँ तेरी कोई जगह नहीं, क्योंकि यो बाग जनाना है। कहने लग गया कि जब अपने बाग में इतने मर्द तू छुपा रही है तो मन क्यों भगा रही है। कहने लगी के इधर कोई मर्द नहीं है, के तेरते एक एक मर्द गिना के जाऊंगा। आइए एक रागनी के माध्यम से हमारे पंडित सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद ने पूरे मर्द गिनाए कि मर्द की जूनी किसे कहा करते हैं और औरतों की जूनी किसे कहा करते हैं। कहा करते हैं कि जहाँ जोर लगे, जहाँ भार लगे, जिस नाम को लेने में प्रेशर लगे उसे मर्द कहा करते हैं, और जहाँ सीलक सी पड़ जाए उसे वीरबानी कहा करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मर्द और वीरबानी सारी एक हो रही है। तो इसी बात पे एक बार ताली मार दो सबके लिए, अपने अपने लिए। आइए एक रागनी के माध्यम से उस बात की ये बात हमारे पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने कितनी सुंदर बात लिख दी और कैसे बता दी कि मर्द किसे किसे कहा करते हैं, एक रागनी के माध्यम से बता दिया। क्या कहा? तेरा
हो, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। आइए कहने लगे दूसरे बात में कि दूसरी बात में सुन कि कौन कौन मर्द है। आइए दूसरी बात में क्या लिख दिया धीरे धीरे गुरु जी प्यार प्यार से। नाश ले रखा है। आइए तीसरी बात में किस प्रकार से क्या क्या चीज बताई और क्या लिख दिया।
अपनी बात लिखता है तो अंतिम लाइनों में पूरी रागनी का निचोड़ कर देता है। आइए अंतिम लाइनों में हमारे सुप्रसिद्ध कवि दादा लक्ष्मी चंद जी ने किस प्रकार से एक शिक्षाबद्ध बात लिखी और कैसे क्या बता दिया, के कहा।